नमस्कार, मैं विद्यांशी द्विवेदी और आप देख रहे हैं द स्कूप बीट्स डॉट कॉम। आज हम बात करेंगे मशहूर अभिनेता सोनू सूद के बारे में। जी हां, पिछले कुछ दिनों से आयकर विभाग के सर्वे को लेकर चर्चाओं में बने रहने वाले सोनू सूद के ऊपर आईटी के अधिकारियों ने 20 करोड़ रुपए के कर चोरी का आरोप लगाया था। आपको बता दें कि सीबीडीटी ने अपने एक बयान में कहा है कि अभिनेता और उनके सहयोगी के परिसर के तलाशी के दौरान 20 करोड़ रुपए के कर चोरी से संबंधित साक्ष्य मिले हैं। हालांकि इस पूरे मुद्दे पर अभी तक सोनू सूद का किसी भी तरीके का कोई भी बयान नहीं आया था, ना ही किसी भी तरीके की कोई भी प्रतिक्रिया दिखाई दे रही थी। लेकिन अब इस पूरे मामले में अपनी चुप्पी तोड़ते हुए सोनू सूद ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि मैं अपनी क्षमता के अनुसार भारत के लोगों की भलाई के लिए काम करने का संकल्प ले चुका हूँ। इसके साथ ही उन्होंने ये भी लिखा है, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि मेरे फाउंडेशन में जमा पैसों की आखिरी किश्त तक किसी भी तरह ज़रूरतमंद लोगों की जान बचा सकूँ। इसके साथ ही सोनू सूद आगे लिखते हैं, मैंने कई मौक़ों पर बड़े बड़े ब्रांड को मेरी फीस के बदले लोगों की भलाई का काम करने के लिए कहा है, मेरा सफ़र जारी रहेगा। उन्होंने आखिरी में लिखा है कि कर भला, हो भला और अंत भले का भला। उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए कहा है कि हर बार कहानी बताने की ज़रूरत नहीं है, समय खुद ब खुद उसको बताएगा। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से सोनू सूद के ऊपर आईटी के अधिकारियों की तरफ से सर्वे चल रहा था। उनके ऊपर 20 करोड़ रुपए के कर चोरी का इल्ज़ाम लगा हुआ था। हालांकि आपको ये भी बता दें कि पिछले साल कोविड के दौरान सोनू सूद ने कई प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाया था और भी कई अच्छे और नेक काम किए थे। अभी भी सोशल मीडिया के जरिए लोग सोनू सूद से मदद मांगते रहे हैं और लोगों को मदद मिलती भी रही है। सोनू सूद ने अपने ट्वीट में लिखा है कि मेरे घर पर आए कुछ मेहमानों की वजह से मैं 4 दिनों तक व्यस्त था, लेकिन अब मैं वापस लौट चुका हूँ। इसके साथ ही उन्होंने अंत में अपने ट्वीट में लिखा है कि सख्त राहों में भी आसान सफर लगता है, हर हिंदुस्तानी की दुआओं का असर लगता है। खबरों के अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल द स्कूप बीट के साथ और हमें फॉलो भी करिए। कैमरा पर्सन आयुष श्रीवास्तव के साथ मैं विद्यांशी द्विवेदी द स्कूप बीट्स डॉट कॉम।